बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर से। बड़ी खबर हज 2023 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान के हाजियों को उठानी पड़ रही परेशानी, सऊदी अरब में उठानी पड़ रही परेशानी। वेस्ट इंडिया से हाजियों ने लगाई मदद की गुहार, परेशानी का वीडियो भेजकर हालातों से रूबरू करवाया। हाजियों ने मक्का में दिए गए रूम को लेकर शिकायत की और कहा कि एक कमरे में 7 से ज्यादा लोगों को ठहराया जा रहा, 28 लोगों को सिर्फ एक किचन देने की भी बात सामने आई। ऐसे में राजस्थान हज कमेटी चेयरमैन अमीन कागजी ने गंभीरता दिखाई, सेंट्रल हज कमेटी के सीईओ और चेयरमैन से बात की। राजस्थान के हाजियों को आ रही परेशानियों से अवगत भी करवाया गया। ऐसे में अब राजस्थान के हाजियों को रहने के लिए दी जा रही अलग बिल्डिंग। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, अमूमन किस तरीके की व्यवस्थाएं होती है और इस बार जो परेशानी आई उसके पीछे की बड़ी वजह क्या? विजेंद्र, देखिएगा कि सेंटर हज कमेटी की ओर से जो सऊदी अरब है, जो वहाँ पे हज करने जो हाजी गए हुए थे, उनकी तरफ से तमाम इंतजाम किए जाते हैं। जो तमाम बिल्डिंगों की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की और ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है वहाँ से की जाती है। क्योंकि जब राजस्थान के हाजी वहाँ पहुंचे तो उनको ऐसी बिल्डिंग के अंदर ठहराया गया जहाँ एक ही रूम के अंदर 7 से ज्यादा लोग वहाँ पे ठहरे हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि चूंकि हज के ऊपर जाते हैं तो महिलाएं और पुरुष सबको एक ही कमरे के अंदर ठहरा दिया गया, ऐसे के अंदर उनकी बेपर्दगी हो रही है। तो साथ ही 28 लोगों के ऊपर एक किचन दिया गया है, जो कि अमूमन होता नहीं है क्योंकि हज के ऊपर ऐसा शेड्यूल होता है, काफी बिजी हाजी रहते हैं, इबादत के अंदर परेशानी आती है, नमाज पढ़ने के अंदर परेशानी आती है। उन सबके बीच ये जब जैसा मामला, उन्होंने फर्स्ट इंडिया से गुहार लगाई और राजस्थान हज कमेटी जो चेयरमैन अमीन कागजी से जब हमने बात की तो उन्होंने तत्काल इस पूरे मामले को लेकर सेंटर हज कमेटी के सीईओ और चेयरमैन से बात की और वहां पे जो हाजी थे उनसे उनकी शिकायतों को सुना और तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए। नतीजा ये रहा कि जो अभी हमारे पास बात सामने आई है, अब तक जो वहां पे हाजियों को जिन बिल्डिंगों में ठहराया गया था उनको 4 बिल्डिंगें चेन्नई दी गई है और वहां पे उनको ठहराने की व्यवस्था की गई है। जो हाजीमुल उज्जा राजस्थान से गए थे उनकी तरफ से भी बेहतर इंतजाम वहाँ करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अब देखना यह है कि हाजी जो हैं, जो परेशान हैं, उनको कब तक वहाँ पे राहत मिल पाती है। जियाउद्दीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।